कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर ईवीएम को ब्लैक बॉक्स बताया है। भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उनकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ईवीएम पर गलत खबर फैलाई गई। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होना है, जिसको लेकर सियासी घमासान भी मचा हुआ है। इस बीच शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने कहा कि अगर चंद्रबाबू नायडू अपनी पार्टी का स्पीकर उतारेंगे तो इंडिया गठबंधन में उनका समर्थन करेगा, जिस पर बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने संजय राउत को जवाब दिया है। हम पिछले 35 वर्षों से एनडीए में हैं, एक भी प्रयास ऐसा नहीं हुआ है कि बीजेपी ने जनता पार्टी युवा जनता दल को तोड़ने का प्रयास किया। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी के पानी की पाइपलाइन तोड़ने वाले आरोपों पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी की नेताओं का षड्यंत्र है, उन्होंने तोड़े हैं, इसलिए तोड़े हैं ताकि उसमें से टैंकर माफिया को फ्री में पानी मिल सके। पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार और जल बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने जल बोर्ड पर पथराव भी किया। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद भी राजनीतिक हंगामा और हिंसा जारी है। हावड़ा के शालीमार में आज बड़ा बवाल हुआ। पार्किंग को लेकर दो गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई। पथराव पुलिस की मौजूदगी में की गई, साथ ही घर के अंदर घुसकर महिलाओं को भी पीटा गया, जिसका आरोप टीएमसी पर लगा है। वहीं बवाल को देखते हुए इलाके में आरएएफ को तैनात किया गया है। आरोप है कि टीएमसी के लोगों ने पार्किंग में जबरन कब्जा किया और विरोध करने पर मारपीट और पत्थरबाजी की गई। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के एक और बयान ने सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। इस बार ओवैसी ने ऊंची जाति के अरबपतियों की संख्या बढ़ने पर सवाल खड़े किए हैं। ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट किया है, खुद को गरीब का बेटा और पिछड़ी जाति का बताने वाले प्रधानमंत्री के राज में भारत में ऊंची जाति के अरबपतियों की गिनती बढ़ती जा रही है। जेडीयू ने पलटवार करते हुए ओवैसी की ही संपत्ति पर सवाल खड़े कर दिए। कजरा आईने में दिखना चाहिए और आपकी अपनी संपत्ति कितनी है, जरा इसकी भी सार्वजनिक घोषणा कर दीजिए। कर्नाटक में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर सियासी संग्राम शुरू हो गया। कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार पर बीजेपी निशाने साध रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसे बिना सोचा समझा फैसला बताया। आधा अधूरा गारंटी जो लागू किया है, उसके कारण देश में सबसे ज्यादा पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट पेट्रोल डीजल का दाम कर्नाटक में ज्यादा हुआ है। कर्नाटक सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 3.05 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। Zee News.